डीएनए टू आरएनए मैंने क्या बताया था बेटा, ट्रांसक्रिप्शन क्या होते हैं? ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होते हैं जो क्या होते हैं, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करके क्या बनाते हैं बेटा, आरएनए में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो जैसे कि एडेनिन फॉर्म बेस पेयर यूरैसिल इंस्टेड ऑफ थायमिन, थायमिन को रिप्लेस करके जैसे बेटा क्या होता है, यूरैसिल वहां पे फूट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बस देखेंगे आरएनए पॉलीमराइज के काम के बारे में चर्चा करेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड के बारे में चर्चा करेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड के बारे में देखेंगे, मैसेंजर आरएनए क्या होता है देखेंगे। यू नो दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिफरेंट आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ये तीनों आरएनए का काम होता है बेटा ट्रांसलेशन में और ट्रांसक्रिप्शन में। डीएनए से आरएनए बनाने को हम लोग हमेशा ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस को हमने हमेशा ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन में ये तीनों आरएनए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं अच्छे से, ट्रांसक्रिप्शन में बोथ द स्ट्रैंड आर नॉट कॉपी ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे जब भी ट्रांसक्रिप्शन होगा और डबल स्टैंडर्ड डीएनए बाय द हेल्प ऑफ हेलिकेस एंजाइम ये ब्रेक करके दो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएगा, और इसी दो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो है ये मतलब दोनों कोट करके क्या ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा, हमेशा बोथ स्ट्रैंड आर नॉट कॉपी ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन, ओनली सिंगल स्ट्रैंड कैन बी कॉपी ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। लेकिन द कोड फॉर द प्रोटीन इज डिफरेंट इन बोथ स्ट्रैंड। जैसे कि आप फुली ट्रांसलेशन में देखिएगा तो वहां पे आपको देखने को मिलेंगे, मैं दिखा दे रहा हूँ ये वाला डायग्राम को आप देख सकते हैं। इसमें बेटा देखो एक 3-5 प्राइम है जिसको आप क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। दूसरा है आपका 5-3 प्राइम, जिसको हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। तो यहाँ पे आपको अगर मेडिकल में पूछेगा कौन सी स्ट्रैंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करके आरएनए बनाने में मदद करता है ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के लिए यहाँ पे देखो, तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए दिस इज कॉपी टू आरएनए, कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है वो हमेशा कॉपी किया जाता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आरएनए के पास, राइबोसोम आरएनए के पास पहुंचाया जाता है ताकि राइबोसोम आरएनए उसको प्रोटीन सिंथेसिस कर पाए। लेकिन टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है ये नहीं कॉपी करता है आरएनए को, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। और ए वाला डायग्राम जो है आपको दिख रहा है, दिस डायग्राम इज मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं आपको बता देना चाहता हूं बेटा दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम, बिकॉज यहाँ पे लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आपको आएगा। जैसे कि देख सकते हैं मैंने क्या क्या बताया था, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। तो ये मेडिकल में बहुत बार सवाल पूछे गए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। तो बेटा ये तीन रीजन होता है स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में, एक होते हैं प्रोमोटर साइट होते हैं, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे देख सकते हैं प्रोमोटर साइट होते हैं ये वाला, दूसरा होते हैं स्ट्रक्चरल जीन, तीसरा होता है टर्मिनेटर पॉइंट होता है। तो डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, ये 3-5 जो 5 प्राइम है बेटा ये वाला, ये आपका क्या है, दिस इज योर डीएनए स्ट्रैंड, एंड 5-3 प्राइम आल्सो दिस इज योर आल्सो डीएनए स्ट्रैंड। तो 5-3 प्राइम दिस इज ऑलवेज द कोडिंग स्ट्रैंड, व्हाट इज कोडिंग स्ट्रैंड, बट 3-5% दिस इज योर
टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। तो ये वाला याद रखिएगा। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्रोमोटर, मैंने क्या बताया था, फंक्शन ऑफ प्रोमोटर अगर देखेंगे, दिस इज द बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमराइज। क्या है, प्रोमोटर साइड में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके बाइंड होते हैं ताकि ट्रांसक्रिप्शन की जो पहला प्रोसेस होता है इनिशिएशन, उसको स्टार्ट करते हैं ताकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करके आरएनए में कन्वर्ट करने का काम आरएनए पॉलीमराइज करता है। कौन करता है, आरएनए पॉलीमराइज करता है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमराइज एंजाइम व्हिच आर हाईली रिस्पॉन्सिबल टू बाइंड विद द प्रोमोटर साइट टू इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। सो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। और ये कौन सी साइट में होता है, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो बेटा ये हाइब्रिडस एंड में होता है, ऑफस्ट्रीम में। ऑफस्ट्रीम में मतलब ये अपर वाला हिस्सा, क्या है, अपर वाला हिस्सा, ठीक है, यहाँ पे होता है ये हमेशा इनिशिएशन, ठीक है। अब सेकंड में देखेंगे स्ट्रक्चरल जीन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन द प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर, मैंने क्या बताया था, स्ट्रक्चरल जीन वो होता है बेटा जो प्रोमोटर और टर्मिनेटर दोनों का बीच में जो प्रेजेंट होता है जो रीजन, इसको स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। और स्ट्रक्चरल जीन का काम ये होता है कि एमआरएनए को बनाना, क्या बनाना, एमआरएनए को बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक की भी बात करेंगे क्या होता है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट बिटवीन द प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर वेयर ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस। तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है बोलने से आप क्या बोलिएगा, स्ट्रक्चरल जीन पे होता है। कहाँ पे होता है बेटा, स्ट्रक्चरल जीन। नेक्स्ट कंसेप्ट अगर देखेंगे टर्मिनेटर का, तो टर्मिनेटर जो होता है बेटा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टर्मिनेटर, टर्मिनेटर वो रीजन होता है जहाँ ट्रांसक्रिप्शन बंद होते हैं, क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होते हैं। So, these sites where transcription can be stopped or prevent. ये hiatus end में होता है और ये downstream region में होता है। कौन सी region में होता है, downstream region में होता है। So, this is the most important. Remember. आगे बढ़े, तो यहाँ पे भी वही लिखा गया है, बस यहाँ पे different वही है, आप लोग देख सकते हैं जी क्या डिफरेंट है यहाँ पे। क्या डिफरेंट है, ये प्रोमोटर रीजन है, देखो बेटा ये 5' जो कि ऑफ स्ट्रीम है, यहाँ पे प्रोमोटर है जहां पे क्या होगा, आरएनए पॉलीमराइज एंजाइम आके वहां पे बाइंड करेंगे, क्या करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन की पहला प्रोसेस इनिशिएशन करने के लिए। तो आपको मेडिकल में क्वेश्चन पूछेगा, सो दिस इज द ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन साइट। कौन सी साइट में होता है, ऑफस्ट्रीम ऑफ जीन में होता है डीएनए की, दिस रीजन, दिस पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। और टर्मिनेटर साइट में इसे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट कहते हैं, और ये क्या होता है, डाउनस्ट्रीम जीन में होता है, ये नीचे का स्ट्रैंड में होता है जो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड। ऑल ऑफ यू क्लियर। अब बीच का जो स्ट्रक्चरल जीन है उसको क्या, उसका काम क्या है, वो आरएनए को बनाएगा, तो उसको हम लोग आरएनए कोडिंग सीक्वेंस कहते हैं, क्योंकि वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करके क्या बनाता है बेटा, आरएनए कोडिंग सीक्वेंस बनाता है ताकि एमआरएनए की फॉर्मेशन कर सके। ऑल ऑफ यू क्लियर ना, व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू गाइस। जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूँ, ये मैंने बता भी रखा था आप लोग को इसीलिए। अब देखेंगे बेटा यहाँ पे, सो व्हाट इज जीन, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन था बेटा, ग्रेगर जोहान मेंडल 1953 में। 1953 में फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको मानते हैं, अरे जल्दी बोलो, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, who is the father of modern genetics, T.H. Morgan, who is, jaldi jaldi,
William Bateson. Who is the father of experimental genetics? T.H. Morgan. कौन है? T.H. Morgan. Very good. T.H. Morgan. So father of Mendel. तो मेंडल ने जब बेटा सेवन डिफरेंट पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के ऊपर काम किया था ना, तो उन्होंने ये बताया था कि जीन इज द हेरिडिटी यूनिट, इट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, इट इज ए फैक्टर. उन्होंने नहीं डिफाइन कर पाया था कि दिस इज ए जीन. सो उसी जीन को यहाँ पे डिफाइन किया गया और बोला गया इट इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. क्या है? इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ ऑफ कंसेप्ट अगर देखेंगे तो इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. यू नो दैट इनहेरिटेंस और हेरिडिटी, व्हाट डू यू मीन द इनहेरिटेंस और हेरिडिटी? द ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. That transfer or transmitted of character from parents to offspring is called inheritance. Or this is occur from one generation to other generation. Is it clear? So, beta, यहाँ पे इस gene का काम क्या होता है? It is the DNA sequence coding for RNA. ये DNA sequence coding करता है ताकि RNA बनाता है. कैसे? mRNA को, rRNA को, dRNA को. M for messenger RNA, R for ribosomal RNA, B for transfer RNA. Genetic information को copy कौन RNA करता है बेटा? DNA से RNA, mRNA. सिंथेसिस करने में कौन सी आरएनए मदद करता है बेटा? आरआरएनए. आरआरएनए एंटीकोडन बनाने का, एमिनो एसिड एंटीकोडन बनाने का कौन करता है बेटा? टीआरएनए. कौन सी आरएनए को एडाप्टर आरएनए बेटा? टीआरएनए. वेरी गुड. आगे देखते हैं. व्हाट इज सिन सिस्ट्रोन? मैंने बताया था इट इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस. सो इट इज द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ जीन. जो लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ जीन है उसको सिस्ट्रोन कहा जाता है, जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन को डीएनए कोडिंग समय पे बनाता है ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो पाए. तो इसको लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ जीन कहते हैं. सो दिस इज सेल. What is this? Cell. Study of cell is called cytology. क्या कहते हैं? Study of cell. Cytology. Cell is the basic structural unit of life. Cell क्या है बेटा? Basic and functional unit of life. अरे the group of cell is made up this. क्या बनता है? द ग्रुप ऑफ सेल इज मेड ऑफ क्या बनता है? टिश्यू को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी. क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी. ठीक है. आप ये सेल के भीतर न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस को फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे क्रोमोजोम देखने को मिलेगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. फिर क्रोमोजोम की होमोलोगस पॉइंट में आपको जीन को देखने को मिलेगा. ठीक है. अब बेटा मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक जीन? दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर मेडिकल एग्जाम. सो रिमेम्बर इट व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू. सो मोनोसिस्टोनिक जीन वो होता है जिसको हम स्प्लिट जीन भी कहते हैं. पॉलीसिस्टोनिक जीन को हम स्प्लिट जीन नहीं कहते हैं. तो पहला सवाल मेडिकल में पूछेगा मोनोसिस्टोनिक को स्प्लिट जीन कहते हैं या पॉलीसिस्टोनिक को? बताओ. मोनोसिस्टोनिक. तो बेटा मोनोसिस्टोनिक जीन आपको यूकेरियोट्स में देखने को मिलेंगे या प्रोकैरियोट्स में? ऑलवेज रिमेम्बर इट, यूकेरियोट्स. वेरी गुड. यूकेरियोट्स. और बेटा
हियर कोडिंग सीक्वेंस जो होता है यूकैरियोट्स का केसेस में, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स के बारे में आगे चर्चा करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स का अगर तो एक्सन और एक्सप्रेस सीक्वेंस होते हैं। तो बेटा यहाँ पे दो चीज होता है, एक्सन होता है, एक्सप्रेस सीक्वेंस होता है, मतलब ये प्रोटीन को सिंथेसिस करने में एक्सप्रेस करता है, लेकिन इंट्रंस जो है बेटा ये इंटरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इंटरवेनिंग सीक्वेंस कहते हैं, क्या कहते हैं इंट्रंस को, इंटरवेनिंग सीक्वेंस, मतलब प्रोटीन बनाने में कोई रोल प्ले नहीं करता। इंट्रंस इज ए नॉन कोडिंग सीक्वेंस, इट इज नॉट ए प्ले इंपोर्टेंट रोल फॉर द मेकिंग ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, so it is not necessary during the transcription in eukaryotes in case of animals or plants, but in case of bacteria or prokaryotes वहाँ पे क्या होते हैं बेटा, आपको कोई एक्सन और इंट्रंस होते नहीं है, वहाँ पे डायरेक्ट आपको mRNA, ठीक है। so एक्सन appear the process of mRNA, एक्सन जो होता है कोडिंग सीक्वेंस का काम करता है, एमआरएनए को बनाने का काम करता है ताकि ट्रांसलेशन हो पाए, लेकिन इंट्रंस जो है डू नॉट अपीयर इन प्रोसेस ऑफ एमआरएनए, ये रिमेम्बर रखना बेटा। सो इंट्रंस डू नॉट अपीयर इन द प्रोसेस ऑफ एमआरएनए, बट एक्सन अपीयर इन द प्रोसेस ऑफ एमआरएनए। और दूसरा कंसेप्ट क्या है मोनोसिस्टोनिक का, एक ही प्रोमोटर अगर बेटा एक ही स्ट्रक्चरल जीन को कोट कर रहा है और एमआरएनए बना रहा है तो इसको मोनोसिस्टोनिक क्या कहेंगे, मोनोसिस्टोनिक। एक प्रोमोटर अगर एक स्ट्रक्चरल जीन को कोट करके बना रहा है तो इसको मोनोसिस्टोनिक, सिस्टोन मतलब जीन वही कहते हैं। पॉलीसिस्टोनिक मतलब क्या है, एक ही प्रोमोटर रीजन मेनी सिस्टोन को और मेनी जीन को, क्या है मेनी स्ट्रक्चरल जीन को अगर कोट करते हैं तो इसको क्या कहेंगे, पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चर। पॉलीसिस्टोनिक मतलब क्या है, एक प्रोमोटर मेनी स्ट्रक्चरल जीन को कोट करेगा। और रुको थोड़ा, मेरा ससुर जी फोन। हाँ सर नमस्कार, हेलो। हाँ सर नमस्कार, इटा कोचिंग रे क्लास मोतली सर। ना 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 ऑफलाइन क्लासेस चल रही नहीं, ऑनलाइन ओनली। हाँ घर को जीबी कहूली कल बर्षा होता जे आई आसन आज जीवी जे आज खाइबु आपठी ऑफिस, ठीक अच्छे मेरा ससुर जी फोन कर लिया खाने के लिए, कल से बुला रहे क्यों नहीं गए। हाँ हेलो बेटा, सबको सुनाई दे रहा है ना व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू। तो देखो जो आपको बता दे रहा हूँ ना बेटा, ये पूरा ना आपको पूरा मेडिकल बेस का क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, वेरी इजी क्वेश्चन पूछेगा, बस आपको करना है वहां पे, कोई मतलब पोरिट होना नहीं है यार, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कर पाएंगे या नहीं, डोंट थिंक लाइक दैट, ऑलवेज बी पॉजिटिव थिंकिंग। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, सारा चीज आपको अच्छा हो जाएगा, पता है ना। तो अब चलते हैं हम लोग, ये वाला याद रखेगा। तो पॉलीसिस्टोनिक जीन जो होता है एक प्रोमोटर मेनी जीन को कोड करता है और ये प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलता है बोलो, कहाँ देखने को मिलता है, प्रोकैरियोट्स में। पॉलीसिस्टोनिक जीन क्या होता है, एक ही प्रोमोटर एक ही स्ट्रक्चरल जीन को कोड करेगा और ये कहाँ पे देखने को मिलेगा बेटा, यूकैरियोट्स में देखने को मिलेगा। कहाँ पे, यूकैरियोट्स में। स्प्लिट जीन किसको कहते हैं बेटा, मोनोस्ट्रक्चरल जीन को कहते हैं, मोनोस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक जीन में क्या है बेटा, देयर इज एब्सेंट ऑफ स्प्लिट जीन, यहाँ पे स्प्लिट जीन नहीं होता है रे,
समझ में आई या ना आई। तो ये मोनोसिस्टोनिक वाला आप देख सकते हैं बेटा, ये वाला डायग्राम देखो तो यहाँ पे ये यूकारोइड्स में मोनोसिस्टोनिक देखने को मिलेगा। यूकारोइड्स में हम लोग पढ़ेंगे वहां पे जब भी इनिशिएशन होके एलंगेशन होता है तो क्या बनता है बेटा, इंट्रॉन्स और एक्सन बनते हैं। क्या बनते हैं? इंट्रॉन्स और एक्सन का कोडिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा एक्सन जो है कोडिंग सीक्वेंस है, इंट्रॉन्स जो है नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। ऑल यू क्लियर? तो इंट्रॉन्स को हम लोग इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं स्प्लाइसिंग मेथड के थ्रू। यहाँ पे कैपिंग टेलिंग का चर्चा करेंगे आगे, लेकिन यहाँ पे पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन देखो ये प्रोकैरियोट्स में आपको देखने को मिलेगा। बैक्टीरिया का केसेस में यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन 1, 2 और 3 होता है। अरे लेक अपेरन पढ़े थे ना भाई, बीटा गैलेक्टोसाइडेस परमीस ट्रांस था कि नहीं? अरे लेक था कि नहीं तीन स्ट्रक्चरल जीन? वेरी जो लोग एब्सेंट है ना क्लास में, मैं उनका नाम नोट किया हूं और 2 क्लास अगर वो लोग एब्सेंट होगा ना तो उनको ग्रुप में रिमूव करूंगा, इन्फॉर्म करता फिर मुझे कॉल करते रहेंगे। सो देखो बेटा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, पहला प्रोसेस था ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर मेडिकल, समटाइम्स क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन योर नीट और एम। सो ट्रांसक्रिप्शन हैज 3 प्रोसेस, इनिशिएशन, एलंगेशन और टर्मिनेशन। बोलो क्या क्या होते हैं? एक नंबर इनिशिएशन, एलंगेशन, इनिशिएशन, एलंगेशन एंड टर्मिनेशन एंड पहला प्रोसेस में क्या होगा टर्मिनेशन देना चाहता हूं। देखो ये प्रोमोटर रीजन होता है बेटा, तो मैं यहां पे आपको बताया था आरएनए पॉलीमराइज एंजाइम, यहां पे ओनली सिंगल आरएनए पॉलीमराइज मदद करते हैं ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। तो आरएनए पॉलीमराइज 1 कैन बी बाइंड विद द प्रोमोटर रीजन। कौन सी साइट पे बाइंड करेगा बेटा? प्रोमोटर साइट, ठीक है, प्रोमोटर साइट। आरएनए पॉलीमराइज हाँ तो बेटा प्रोमोटर साइट, ए लिसन, तो आरएनए पॉलीमराइज को प्रोमोटर साइट में कौन लेके जाएगा बेटा? सिग्मा फैक्टर। कौन सी फैक्टर बेटा? सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर बाइंड विथ आरएनए पॉलीमराइज, सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमराइज से बाइंड करेगा, इसके बाद प्रोमोटर रीजन पे लेके बाइंड करवा देगा। अब प्रोमोटर रीजन से आरएनए पॉलीमराइज क्या करेगा? इनिशिएशन करेगा। क्या करेगा बेटा? स्ट्रक्चरल जीन को कोड करके इनिशिएशन। सेकेंड स्टेप में क्या होगा बेटा? एलंगेशन। अब धीरे धीरे आरएनए पॉलीमरेज क्या है? एमआरएनए को बनाते जाएगा। क्या बनाते जाएगा? एमआरएनए को बनाते जाएगा। अब तीसरा नंबर में क्या आएगा बेटा? टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन में क्या है? एट द एंड ऑफ टर्मिनल पॉइंट बेटा, टर्मिनल पॉइंट पे क्या होगा? आरएनए पॉलीमराइज एंजाइम को रोकने के लिए, क्योंकि आरएनए पॉलीमराइज एंजाइम ही एमआरएनए बना रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, तो इसको रोकना पड़ेगा। तो वहां पे बेटा टर्मिनेटर रीजन में रो फैक्टर, कौन सी फैक्टर बेटा? रो फैक्टर बाइंड विद द आरएनए पॉलीमराइज, रो फैक्टर बाइंड विद आरएनए पॉलीमराइज टू स्टॉप एंड प्रिवेंट द ट्रांसक्रिप्शन। अरे क्लियर और नहीं? आपको मेडिकल में सवाल पूछेगा दोस्त, अरे कौन सा फैक्टर इनिशिएशन करवाता है? सिग्मा फैक्टर। अरे कौन सा फैक्टर आपको टर्मिनेशन करवाता है? रो फैक्टर। ऑल ऑफ यू क्लियर? रो फैक्टर। वेरी गुड। तो यहाँ पे डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं, ये डायग्राम में देखिए आरएनए पॉलीमराइज एंजाइम क्या है? बाइंड विद ए प्रोमोटर साइट ऑफ द डीएनए। आप ये क्या है? अनबाइंडिंग ऑफ द डबल डीएनए हेलिक्स करेगा और क्या करेगा? इनिशिएशन करेगा। किसके मदद से? सिग्मा फैक्टर की मदद से।
आप ये आरएनए पॉलीमराइज को बाइंड करके क्या करेगा, आरएनए सिंथेसिस करने में मदद करेगा। ये वाला डायग्राम आप लोग देख लीजिए, ये वाला डायग्राम इनिशिएशन का है, कैसे आरएनए पॉलीमराइज सिग्मा फैक्टर प्रोमोटर में कैसा इनिशिएशन शुरू हुआ। क्लियर ना ग, बुझला कि ना बुझला ग? बुझलो सर। क्या होता है बेटा, आर एन एन इज सिंथेसाइज इन 5-2-3 डैश डायरेक्शन, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कौन सी डायरेक्शन में सिंथेसाइज होता है, अरे कौन सी डायरेक्शन में सिंथेसाइज होता है रे आर एन ए, 5-2-3 डैश डायरेक्शन। ये प्रोसेस में क्या होता है, राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और कॉम्प्लीमेंटरी बेसिस डीएनए टेम्पलेट का बनाता है और आरएनए बनाता है। तो यहाँ पे ये सेकेंड वाला डायग्राम ये देख सकते हैं, ये आरएनए एमआरएनए को एलोंगेटेड कर करके बना रहा है। अब देखिए आप शीट नंबर में देखिए क्या है, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में कौन सी फैक्टर बाइंड होता है बेटा आरएनए पॉलीमराइज में, रो फैक्टर। रो फैक्टर बाइंड विद आरएनए पॉलीमराइज, रो फैक्टर बाइंड विद आरएनए पॉलीमराइज टू टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन। क्या है, टू टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन। ऑल ऑफ यू क्लियर, ये वाला डायग्राम देख रहे हो, एनसीईआरटी की डायग्राम, सभी को समझ में आयला गो कि ना आयला? बोलो बोलो जोर से। अरे समझ में आया तो जोर से बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अरे हंस के बोल जय माता दी, जय माता दी। अरे दिल से बोलो जय माता दी, जय माता दी। ट्रांसक्रिप्शन का हम लोग पढ़ रहे थे, क्या क्या ट्रांसक्रिप्शन में होता है, तो ये सारा चीजें होता है, प्रोमोटर कोडिंग स्ट्रैंड टर्मिनेटर टेम्पलेट स्ट्रैंड आरएनए पॉलीमराइज, ताकि ये सब ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाते हैं, डीएनए से आरएनए क्या बनाते हैं, डीएनए से आरएनए। और ये प्रोसेस को सेंट्रल डोगमा भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, सेंट्रल डोगमा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बैक्टीरिया का केसेस में ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में और ट्रांसलेशन जो भी होता है कपल्ड होता है, क्योंकि ट्रांसलेशन बीइंग बिफोर एमआरएनए इज फुली ट्रांसक्राइब्ड, बिकॉज क्यों क्यों ऐसा होता है, एमआरएनए को रिक्वायर्स नो प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव। एमआरएनए को यहाँ कोई एक्टिव होने का जरूरी नहीं होता, ये आपको जानना भी जरूरी नहीं है, कंफ्यूज होना भी नहीं है ये वाला में। अब ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स देख लीजिए, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आप लोग के लिए, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स। तो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स में क्या होता है बेटा, यहाँ पे तीन आरएनए पॉलीमराइज काम करते हैं, कितने आरएनए पॉलीमराइज रे, तीन। आरएनए पॉलीमराइज वन, आरएनए पॉलीमराइज टू, आरएनए पॉलीमराइज थ्री, तीनों आरएनए पॉलीमराइज यहाँ पे इनिशिएशन करते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स। यूकेरियोट्स मतलब जो प्लांट या एनिमल सेल में सेल के भीतर न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया को प्रोकैरियोट्स कहते हैं, किंगडम मोनेरा, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। ऑल ऑफ यू क्लियर बेटा? तो यहाँ पे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन जब होगा, ये देखो रे बेटा, मेडिकल में सवाल पूछे गए हैं, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन जब भी होगा, ट्रांसक्रिप्शन इन, देखो डिफरेंट कुछ नहीं है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में बस एक ही आरएनए पॉलीमरेज काम करता है, यूकेरियोट्स में तीन तीन करता है। और वहां पे क्या होता है, वहां पे भी ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में तीन स्टेप होता है, इनिशिएशन एलोंगेशन टर्मिनेशन। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स में भी तीन स्टेप होता है, इनिशिएशन एलोंगेशन टर्मिनेशन। सो बेटा बस यहाँ तीन आरएनए पॉलीमराइज काम करते हैं। तो यहाँ पे जब भी ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो बेटा जब आरएनए बनेगा तो उसमें एक्सन और इंट्रंस दोनों होते हैं, क्या होते हैं,
एक्सन और इंट्रंस दोनों होते हैं। क्यों? इसीलिए एक्सन और इंट्रंस दोनों होते हैं बोल के इनको कौन सी आरएनए कहते हैं? एचएन आरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? एचएन आरएनए। एचएन आरएनए मतलब क्या है? हेट्रोजेनियस आरएनए और हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए कहते हैं। हेट्रोजेनियस आरएनए। ऑल ऑफ यू क्लियर बेटा? यस सर। आपको मेडिकल में अगर आपको मेडिकल में सवाल पूछे जाएगा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन आकर इन यूकैरियोट्स में कौन सी आरएनए बनता है, तो एचएन आरएनए बनता है।